हेमा मालिनी और धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे मशहूर कपल हैं। धर्मेंद्र ने जब 1980 में हेमा मालिनी से शादी की थी तब उन्होंने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से अलग होने का मन बना लिया था, मगर आधिकारिक तौर पर उनका तलाक नहीं हुआ। वहीं हेमा मालिनी ने भी धर्मेंद्र की पहली फैमिली से दूरी बनाकर रखी और 40 साल बाद भी उनका वचन टूटा नहीं है। हालांकि जब पोते करण देओल की शादी हुई तो ईशा देओल के साथ उनके पहुंचने की उम्मीद थी, मगर ऐसा नहीं हुआ और धर्मेंद्र इससे काफी ज्यादा दुखी भी हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए माफी भी मांगी और अब हेमा मालिनी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। हेमा मालिनी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि धर्मेंद्र अपनी दोनों बेटियां ईशा और आहाना की शादी को लेकर काफी चिंतित थे। सोचते थे कि बेटियों को अच्छे लड़के मिलेंगे या नहीं। वे हमारे लिए हमेशा मौजूद रहे। वे कहती हैं, मेरे दो बच्चे हैं, दोनों की परवरिश अच्छे से हुई है। वे कहते थे कि बच्चों की शादी जल्दी हो जानी चाहिए, सही वक्त में इंसान आएगा और भगवान और गुरु के आशीर्वाद से सब मुमकिन हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि धर्मेंद्र हाल ही में काफी सुर्खियों में थे जब उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में हेमा मालिनी और दो बेटियां ईशा और आहना को निजी तौर पर कॉल ना कर पाने के चलते दुख जताया और पोते करण देओल की शादी में इन्वाइट ना करने के लिए माफी भी मांगी। दोस्तों आपको बता दें कि करण देओल सनी देओल के बेटे हैं और उन्होंने पिछले महीने 18 जून को दिशा आचार्य के साथ शादी की थी। हेमा और उनकी दोनों बेटियां शादी में नहीं पहुंची थी। हेमा ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी शादी को असामान्य बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी शादी सामान्य ढंग से होती तो शायद मैं अपनी जिंदगी में इतना कुछ नहीं कर पाती। मैंने कई सारे फिल्मों में काम किया और मैं राजनीति में भी हूँ, क्या इतना सब कुछ होता। फिलहाल दोस्तों आपका धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।